अब हम करते हैं अगले चरण की ओर। हिंदी एकांकी का जो तृतीय सोपान है, हिंदी विकास, हिंदी एकांकी के विकास क्रम का जो तृतीय सोपान है, थर्ड जो फेज है, वो कहलाता है प्रसादोत्तर युग। इसमें प्रसाद के समय के बाद की एकांकियों को शामिल किया जाता है। और दृष्टिकोण के अनुसार यह जो दौर था, इसको भी हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांट देते हैं। प्रसाद का जो कुल समय है 1938 से 47 तक माना गया है, लेकिन इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, 1938 से 1940 का एरा और 1941 से 1947। अब प्रसाद के बाद के इस फेज को दो भागों में बांटने का एक बड़ा कारण था, क्योंकि प्रसाद के बाद हिंदी एकांकी जो थी वो मुख्य रूप से दो धाराओं में विभाजित हुई, जिसमें एक जो दौर था, जो संक्षिप्त दौर था, जिसमें विषय शैली और दृष्टिकोण की नवीनता थी, यह दौर 1938 से 1940 तक चला। इसके बाद यथायत हिंदी एकांकी में बिल्कुल परिवर्तन हो गया, और वो परिवर्तन की विशेष वजह थी क्योंकि वो जो समय था वो बहुत आपदा काल था। भारतीय इतिहास में उस समय को एक विशिष्ट आपदा काल समय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे उसमें एक तरह का गतिरोध उत्पन्न हुआ, एक जड़ता उत्पन्न हुई। वो इस वजह से थी कि यह जो काल था, यह द्वितीय विश्व युद्ध का, महायुद्ध का काल था। तो एक तरफ तो महायुद्ध की विभीषिका, इसका दंश झेला लोगों ने, दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसका दंश झेला। विभाजन के फलस्वरूप जो सांप्रदायिक दंगे हुए और जिसमें हजारों लोगों की जाने गई, जान माल का नुकसान हुआ, स्त्रियों का शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, और तीसरा उस दौर में जो अकाल वगैरह पड़े, इससे जो समाज की, जो आम इंसान की जो दुर्गति हुई, उस विषय वस्तु को आधार बनाकर इस दौर में बहुत सी एकांकियां लिखी गई। तो इन दोनों ही फेजों में, समयावधि में, विभिन्न तरह के एकांकियों का सृजन हुआ, जो वस्तुतः यथार्थ तो था, लेकिन एक कड़वे किस्म का यथार्थ था। यहां पर जीवन को बिल्कुल कठोर ढंग से देखा गया और उस कठोरता को उन्हीं शब्दों में अभिव्यक्त करने का प्रयास भी किया गया। हालांकि ये जो दौर था, ये एक मिश्रित विचारधारा का दौर था, जिसमें एक तरफ तो गांधी आते हैं, गांधी की विचारधारा इन एकांकीकारों पर प्रभावी रही, दूसरी तरफ इनके जो दृष्टिकोण था, जो इनका दार्शनिक आधार था, वो पाश्चात्य जो एकांकीकार थे, नाटककार थे, उनसे भी प्रभावित हुए। तीसरा, उस दौर में मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद जैसे दर्शन भारतीय विचारकों के ऊपर हावी होने लगे, और इसी वजह से मनोविश्लेषणवाद, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद की वजह से भारतीय विचारकों में मानवतावादी दृष्टिकोण या व्यक्तिवादी दृष्टिकोण भी विकसित होना शुरू हो गया था। जो बदलाव हम प्रयोग काल की कविताओं में या अज्ञे की काल में देखते हैं, वो ही एकांकियों में इस दौर में देखा जा सकता है। यहां पर इन एकांकियों में व्यक्तिगत आस्था को केंद्रित रखते हुए भी एकांकियों का सृजन हुआ। तो दो धाराएं एक साथ चली, एक वह धारा जो सामाजिक पक्ष का विश्लेषण करती थी या मार्क्सवादी दृष्टिकोण रखती थी, वह धारा, और एक वह धारा एकांकियों की जो कि व्यक्तिवाद को सपोर्ट करती थी, व्यक्तिवाद के विश्लेषण को सपोर्ट करती थी, व्यक्ति को अहमियत देती थी, वह धारा। तो इन दोनों धाराओं में एकांकी का बढ़ना शुरू हुआ और इस दौर में दोनों ही तरह की एकांकियों का सृजन हुआ। जो महान एकांकीकार थे इस दौर में, जिन्होंने जीवन की इन्हीं अनुभवों को समेट कर एकांकियों के रूप में प्रस्तुत किया, उनमें थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वो उस दौर के जबरदस्त एकांकीकार थे। उनके कुछ प्रमुख एकांकी संग्रह हैं, एक तोले अफीम की कीमत, 18 जुलाई की शाम, स्वर्ग का कमरा। वहीं उपेंद्रनाथ अष्ट भी इनके समकालीन, इनके समकक्ष एकांकीकार थे, चरवाहे, लक्ष्मी का स्वागत, अंधी गली आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं। भुवनेश्वर ने श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक
साम्यहीन साम्यवादी जैसे एकांकियों की रचना की। वही जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा, कबूतर खाना, खंडहर आदि एकांकियों की रचना की। हरिकृष्ण प्रेमी ने बादलों के पार, वाणी मंदिर, सेवा मंदिर इस तरह के एकांकी रचे। भगवती चरण वर्मा ने भी इस दौर में एकांकी सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौर में एक तीसरा ऐतिहासिक एकांकियों की भी रचना हुई, जिसमें इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाकर इतिहास का हमारा जो उन्नत पक्ष था, हमारी संस्कृति का, हमारे कालखंड का जो गौरव के प्रतीक जो बिंब थे, उनको आधार बनाकर इस दौर के एकांकियों का सृजन हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण इसमें एकांकी जो इतिहास से संबंधित थे, रामकुमार वर्मा का दीपदान, प्रतिशोध की ज्वाला, इस तरह के एकांकी जो प्रसिद्ध रहे थे, उनका भी सृजन हुआ। इस दौर में हंस और विश्वामित्र जैसी पत्रिकाओं ने एकांकियों का विवेचन करना शुरू कर दिया था, और एकांकी का विश्लेषण करने के लिए, विवेचन करने के लिए और फीडबैक देने के लिए बहुत सारे अंक स्पेशलाइज करके एकांकी और नाटकों से संबंधित भी निकाले। तो यह जो दौर था जहां पर एकांकी जो थी, एकांकी भारतीय एकांकी, हिंदी साहित्य की एकांकी थी, वो इस दौर में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गई। धन्यवाद।